ओके, तो नेक्स्ट क्लास है हमारा आज का एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया फ्रॉम सुपर क्लास टेट्रापोड। क्लास एम्फीबिया। ओके, स्पेसिफिक कैरेक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट पहले जो हमने कैरेक्टर्स टेट्रापोड्स में देखे थे वो यहाँ हम पहले कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो फर्स्ट, लिम्ब बियरिंग एनिमल, करेक्ट? दे आर लिम्ब बियरिंग एनिमल इन विच टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स आर प्रेजेंट। टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स आर प्रेजेंट, दैट इज अ वन पेयर एक्ट एज अ फोर लिम्ब and another pair hind. Each limb contain fingers, phalanges भी बोल सकते हैं आप, fingers, but in amphibia हमने वहां देखा था limbs becomes pentaductile, but in class amphibia four limbs contain four digits and hind limbs contain five digits. Four limbs contain four digits and hind limbs contain five digits, मतलब finger like digits. Okay? Next, they are habitat कौन सा इनका? Mostly terrestrial, some are aquatic. But why they are called as amphibia? Amphibians, because they complete their life cycle in two habitats, hence they are called as an amphibians. They are called as amphibians because they complete their life cycle in टू हैबिटेट्स। टू हैबिटेट में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। एक्चुअली लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है उनका? करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। क्यों? एक्चुअली एक्सटर्नल या इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कंपल्सरी। एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल एज वेल एज मेल उनके गैमेट्स वॉटर में इमिट करते हैं और वाटर में इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का कर रहे हैं। अब एक्वेटिक में ही फर्टिलाइजेशन होने का रीजन क्या है? क्योंकि इनके एग को प्रॉपर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में वो सर्वाइव नहीं हो पाते। ठीक है, इसके लिए वाटर में ये एक इजीली सर्वाइव हो जाते हैं और एग के साथ स्पर्म फ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, तो एग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव नहीं हो पाते, इसलिए ये एग वाटर में इजीली एडेप्ट हो जाते हैं और इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्वेटिक टाइप, दैट इज एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ लार्वल स्टेज कंपल्सरी प्रेजेंट है। करेक्ट, दे शोज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट, क्लॉज और नेल्स आर एब्सेंट। क्लॉज और नेल्स आर एब्सेंट। क्लॉज और नेल्स आर एब्सेंट इन क्लास एम्फीबिया, मतलब नेल्स प्लस क्लॉज मतलब ये स्पाइनी पोर्शन जो नेल्स की तरह होते हैं बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लॉज आर एब्सेंट इन क्लास एम्फीबिया। ओके, नेक्स्ट, स्पंज लाइक पैड्स आर प्रेजेंट इन जो रेप्टाइल्स प्लांट्स पर रहते हैं उनमें नीचे स्पंज लाइक पार्ट प्रेजेंट होता है।
कौन से रेप्टाइल्स को जो ट्रीज पर रहते हैं उनको इजिली एंकरिंग करने के लिए. कुशन पैड्स आर प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस. ठीक है, कुशन पैड्स आर प्रेजेंट, पैड्स आर प्रेजेंट सभी में नहीं, जो ट्रीज पर रहते हैं उनमें. तो ट्रीज पर जो एनिमल्स रहते हैं उनको जनरल बोलते हैं अर्बोरियल इनहैबिटेंट. अर्बोरियल मतलब लिव ऑन ट्री. अर्बोरियल. नेक्स्ट टेल प्रेजेंट. टेल प्रेजेंट होती है, यस, कंपल्सरी नहीं क्योंकि फ्रॉग को टेल एब्सेंट है, बट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो प्रेजेंट थी. लेकिन बॉडी इज डिवाइडेड इन टू मेनली टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक रीजन. बट इन सम एम्फीबियंस टेल इज प्रेजेंट, बट इन सम एम्फीबियन टेल बिकम्स प्रेजेंट. नेक्स्ट, एम्फीबियंस आर स्केललेस एनिमल. स्केललेस एनिमल, स्केल्स आर एब्सेंट ऑन बॉडी, स्केललेस एनिमल्स. बट इन इच्थियोफिस, एग्जाम्पल दिया है वहां, इच्थियोफिस कॉल्ड एज अ लिम्बलेस एम्फीबिया. लिम्बलेस एम्फीबिया, इंटरनल स्केल्स आर प्रेजेंट बिलो द स्किन, मतलब इंटरनल स्केल्स, स्केल्स प्रेजेंट बिलो स्किन, मतलब इंटरनल स्केल्स आर प्रेजेंट इन इच्थियोफिस. इस एम्फीबिया में स्केल्स प्रेजेंट है. एक्चुअली सभी एम्फीबियन स्केललेस है बट इसमें स्केल्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट, बॉडी बिकम्स वेरी स्मूथ, स्मूथ स्किन होती है उनकी, और स्किन पर कुछ न्यूमरस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. न्यूमरस ग्लैंड प्रेजेंट ऑन स्किन की जो स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करते हैं, टू मेक मॉइस्ट स्किन. न्यूमरस ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द स्किन और उसका फंक्शन स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए. ठीक है, इन सम एम्फीबियंस, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली बफोन दैट इज अ टोड में स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ पॉइजनस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बफोन कॉल्ड एज अ टोड. ये फ्रॉग जैसा ही दिखता है लेकिन इसका नाम अलग क्यों दिया है, क्योंकि ये पॉइजनस है. क्या है ये? पॉइजनस है. पॉइजनस ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ बफो, कॉमनली कॉल्ड एज अ टोड, और ये फ्रॉग से थोड़ा सा बड़ा दिखता है. ठीक है, पॉइजनस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सम एम्फीबियंस. कलर्ड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, क्रोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन सम एम्फीबियंस कि जो स्किन का कलर चेंज करते हैं. करेक्ट, सेलेमेंटर. इस तरह का पिगमेंट कि जो स्किन में प्रेजेंट है, कि जो स्किन का कलर चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल सेलेमेंटर. ठीक है, पिगमेंट प्रेजेंट सभी में नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस. पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द स्किन कि जो स्किन का कलर चेंज करेगा फॉर प्रे प्रीडेशन इंटरेक्शन के लिए, सेलेमेंडर एग्जाम्पल, कॉमनली कॉल्ड एक्चुअली सेलेमेंडर, थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंस है, सेलेमेंड्रा एंड सेलेमेंडर. ठीक है, स्किन पिगमेंट प्रेजेंट. नेक्स्ट, लंग्स आर वेल डेवलप्ड बट रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय मे बी गिल्स, मे बी लंग्स, मे बी स्किन. रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय, रेस्पिरेशन बाय
गिल्स के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, स्किन के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्लस लंग्स, प्लस लंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, बकोफेरिंजियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक एम्फीबियस के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद ये रफ करना है। लिम बेरिंग एनिमल, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, वन फोर लिम्स, सेकेंड पेयर हैंड लिम्स। फोर लिम्स में जनरली फोर डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, फाइव लिम्स प्रेजेंट होते हैं हैंड लिम्स में। एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल दो हैबिटेट में कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फर्टिलाइजेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट, और अडल्ट प्रेजेंट इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट, क्लॉज एंड नेल्स आर कंपल्सरी एबसेंट, कुशन पैड्स आर प्रेजेंट अगर वो अर्बोरियल है तो। नेक्स्ट, बॉडी इज मेनली डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक, बट इन सम एम्फीबियंस टेल इज प्रेजेंट। दे आर मोस्टली स्केललेस, बट एक्सेप्शन इस्टियोफिश इज अ स्केल बियरिंग एनिमल, बट स्केल कहाँ प्रेजेंट, ऊपर से नहीं दिख रहे हैं, स्केल्स आर प्रेजेंट बिलो द स्किन, कॉल्ड एज अ इंटरनल स्केल्स आर प्रेजेंट इन इस्टियोफिश। नेक्स्ट, स्किन बिकम्स वेरी स्मूथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ग्लैंड, स्किन बिकम्स वेरी मॉइस्ट। इन टोड्स स्पेसिफिक ग्लैंड इज प्रेजेंट, कॉल्ड एज अ पॉइजनस ग्लैंड। कुछ एम्फीबियंस में कलर पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, कॉल्ड एज अ क्रोमेटोफोर, की जो बॉडी का कलर चेंज करता है प्रेपिटेशन इंटरेक्शन के लिए, एग्जाम्पल सलेमेंडर। रेस्पिरेशन मे बी बाय गिल्स, बाय स्किन, और मे बी थ्रू लंग्स। ओके, लंग्स के थ्रू कर रहे तो बकोफेरिंजियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, और स्किन के थ्रू कर रहे तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स, बफो, टोड, राना, टाइग्रिना, ये हम लर्न करने वाले हैं एनिमल टाइप्स में। राना टाइग्रिना ये इसका बॉड जूलॉजिकल नेम है, कॉमनली कॉल्ड एज अ फ्रॉग। हाइला ट्री फ्रॉग, सलामेंड्रा सलामेंडर, एंड इस्टियोफिश कॉल्ड एज अ लिम्बलेस एम्फीबिया। तो ये दो एक्सेप्शन में आएगा, इस्टियोफिश को लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा एक्सेप्शन स्केल बियरिंग एनिमल, करेक्ट, स्केल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, What are the types of teeth present in, what types of teeth present in amphibia? Homodont, pleurodont, and polyhypodont. Types of teeth present in class amphibia. ओके, होमोडोंट मतलब सभी टीथ एक जैसे शेप के हैं, प्लूरोडोंट रूट पोर्शन जॉज के साइड में प्रेजेंट है, डायग्राम मैंने निकाली थी। पॉलीहाइपोडोंट मतलब टीथ बहुत बार मेनी टाइम्स यहाँ आ रहे हैं, कॉल्ड एज अ पॉलीहाइपोडोंट टाइप्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है, एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट, स्कल बिकम्स डायकोंडाइलर टाइप, डायकोंडाइल स्कल इज प्रेजेंट। डायकोंडाइल स्कल मतलब ऑक्सीपिटल कॉन्डिलॉइड्स आर टू इन नंबर, ऑक्सीपिटल कॉन्डिलॉइड आर टू इन नंबर, हेंस डायकोंडाइल टाइप ऑफ स्कल। ऑक्सीपिटल मतलब बैक वाला, आपने टेंथ में मे भी देखा पढ़ा होगा, स्कल में कितने पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल, कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल ये बीच वाला पोर्शन, ये पराइटल, ये दो टेम्पोरल साइड के, और ये ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, ये स्कल का पार्ट। हम मोनोकोंडाइल टाइप के हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एक ही ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है, यहाँ दो ऑक्सीपिटल बोन्स हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ डायकोंडाइल टाइप ऑफ स्कल, ठीक है, स्कल बिकम्स डायकोंडाइल टाइप।
Next circulation, double circulation hai, but heart becomes three-chambered heart is present in which? Correct. Two auricles and one ventricle. अब एम्फीबियंस में मिक्स टाइप ऑफ ब्लड बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाता है, क्योंकि सपोज ये डबल सर्कुलेशन कर रहे हैं, मतलब ब्लड कम्स टू टाइम्स इन अ हार्ट, कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, दो बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, कौन सा? करेक्ट, डीऑक्सीजनेटेड। ये वेंट्रिकल्स में ब्लड सप्लाई करेगा, वेंट्रिकल्स लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई करेंगे फॉर प्यूरिफिकेशन, लंग्स के थ्रू ब्लड आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड, अगेन ये ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, इसका मतलब राइट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ आ रहा है, लेफ्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब यहाँ मिक्स्ड ब्लड प्रेजेंट है। और इन एम्फीबिया मिक्स्ड ब्लड इज सर्कुलेट थ्रू आउट बॉडी विद हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेसल्स, मे बी आर्टरी वेंस, जो भी है, ठीक है। ये हुआ हार्ट के बारे में, रेस्पिरेशन हमने देखा, स्किन गिल्स में भी लंग्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन करें, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसीज बिकम्स बाय कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। हमारे बॉडी में कौन से टाइप्स के हैं श्वेता? बाय कॉनकेव एंड न्यूक्लिएटेड, करेक्ट। बाय कॉन्वेक्स नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब इस तरह के, और हमारे बॉडी में बाय कॉनकेव ई न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें आरबीसीज बिकम्स बाय कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, बाय कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट दे शोज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, करेक्ट। दे शोज एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कंपल्सरी, क्यों? दे आर कॉल्ड एज एम्फीबिया, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू हैबिटेट, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, एक्सटर्नल। नेक्स्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वल स्टेज कंपल्सरी प्रेजेंट है। ओविपेरस या विविपेरस, करेक्ट, दे आर ओविपेरस इन नेचर, नेचर, ओके। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एम्फीबिया, कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स, वो एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखना है, और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि पूछे जाते हैं आपको, बाय कॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड आरबीसीज किस में प्रेजेंट है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, मिक्स टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं, डायकोंडाइल स्कल प्रेजेंट है, मतलब टू ऑक्सीपिटल बोन्स प्रेजेंट है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ डायकोंडाइल टाइप ऑफ स्कल। नेक्स्ट मिडल ईयर इज प्रेजेंट, मिडल ईयर, ईयर के एक्चुअली थ्री पार्ट्स में हम डिवीजन कर लेते हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर, इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल ईयर। इन मिडल ईयर स्पेसिफिक ऑर्गन इज प्रेजेंट इन क्लास एम्फीबिया, दैट इज टिम्फेनम, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। टिम्फेनम इज प्रेजेंट इन क्लास एम्फीबिया इन मिडल ईयर, टिम्फेनम। इज प्रेजेंट इन क्लास एम्फीबिया। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं एम्फीबिया के, सभी कैरेक्टर्स अब खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स टिम्फेनम, ओके। क्लोएका भी प्रेजेंट है, करेक्ट, क्लोएका इज आल्सो प्रेजेंट, मतलब तीनों सिस्टम्स के ओपनिंग, करेक्ट, क्लोएका प्रेजेंट। जेनिटल डक्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल इज ओपन इन टू द सिंगल ओपनिंग, कॉल्ड एज अ क्लोएका इज प्रेजेंट इन क्लास एम्फीबिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये पॉइंट खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है।
stop.